बच्चों, मैं पल्लवी। मैं आज आप सभी के सामने वर्ग एलकेजी ए का विषय हिंदी में शब्द पराग में स्वर पढ़ाने जाए, स्वर में अ से लेकर के रि तक पढ़ा रही हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। अ से क्या होता है? अ से अनार। अ से क्या होता है बच्चों? अ से अनार होता है। अ नौकरना अरो अनार। अनार कैसा होता है बच्चों? अनार लाल होता है। उसे खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है होता है। उसे खाने से हमें खून की कभी कभी नहीं होती है, और उसे अनार होता है। सेकंड है हमारा आ। आ से आम। और आ अमो आम। आम कैसा होता है? पीला होता है, या फिर कुछ कुछ आम रेड भी होते हैं हल्का हल्का सा। अभी तो आम का सीजन आ रहा है, तो अ से क्या होता है? आम। ई से इमली। आ से आम। ई से इमली। ई मो लौदघी का ली इमली। ई से इमली। इमली कैसा होता है बच्चों? स्वाद में खट्टा होता है। जैसे हम पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं तो उसमें पानी में इमली मिला रहता है ना, इमली का चटनी भी बनता है, इससे इमली होता है। दीर्घी। हर सी से इमली और दीर्घी से ईख। ईख कैसा होता है? ईख डंडे की तरह होता है और मीठा होता है स्वाद में। तो ई दीर्घी और ख ईख। फिर नेक्स्ट है हमारा ऊ। ऊ से क्या होता है? उसे उल्लू। उफ उल्लू। ऊ अलौला संयुक्त दीर्घकार उल्लू। उल्लू कैसा होता है बच्चों? ब्लैक होता है, यानी कि काला होता है, भूरा भी होता है। वो रात में बोलता है, उसे उल्लू। ऊ उसे ऊन। ऊ अनो ऊन। उसे ऊन। ऊन जब सर्दी विंटर का मौसम आता है, यानी कि सर्दी का मौसम आता है, तब सब लोग स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। वो किस चीज से बनता है? ऊन से। इसीलिए ऊ से ऊन। री। री से ऋषि। री सौदर्घी का सौहर्षि का सी ऋषि। री फॉर ऋषि। ऋषि साधु महात्मा, जैसे कि साधु महात्मा मतलब कि जंगल में तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ऋषि। री फॉर ऋषि। फिर से आप लोग एक बार और बताते हैं। अ से अनार। आ से आम। हर्षी से इमली। दीर्घी से ईख। ऊ से उल्लू। दीर्घु से ऊन। री से ऋषि। आज तक हम आज हम आप लोगों को इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इससे आगे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।